बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे चिकन तवा पीस। ये बहुत ही मज़ेदार, आसान और बहुत ही कम टाइम में बनते हैं, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। तो इसे बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, चिकन के लेग पीस लिए हैं हमने 8 और इनका वज़न है 2.5 किलो। प्याज लेंगे हम 1 पाव और टमाटर लेंगे हम दरमियाने साइज़ का 1। लहसुन 10 से 12 जवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा और सब्ज़ मिर्चें 4 से 5। नमक लेंगे हम 1 खाने का चम्मच और दही लेंगे हम 1.5 पाव। धनिया लेंगे हम 4 खाने के चम्मच, ज़ीरा 4 खाने के चम्मच, साबुत लाल मिर्चें 10 से 12 और ये कोयला है हमारे पास स्मोक के लिए दरमियाने साइज़ का 1। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राइंडर जग में दही डालेंगे, नमक डालेंगे और अब इसके अंदर डालेंगे प्याज, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चें और टमाटर और फिर इन्हें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमने इन्हें ग्राइंड कर लिए। अब हम खुश्क धनिया, ज़ीरा और लाल मिर्चों को हल्का सा रोस्ट करेंगे और ठंडा करने के बाद इन्हें भी अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो देखिए मसाला हमने पीस लिया, अब ये मसाला हम इसी जग में डालेंगे और फिर से इन्हें हल्का सा ग्राइंड करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देखिए मसाला अच्छी तरह से हमने ग्राइंड कर लिया, अब इसी मसाले से हम चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे। अच्छी तरह से मैरिनेट करने के बाद इसे हम 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। तो देखिए 2 घंटे हो चुके हैं और अच्छे से ये मैरिनेट हो चुका है। तो ये जो हम तवा पीस बना रहे हैं, इसे तैयार करने का जो कमर्शियल तरीका है जिससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है, वो ये है कि इसे हम हाफ़ कुक करें और करें बारबेक्यू। अगर आपके पास कोयले वाली अंगीठी है तो बहुत ही बेस्ट है, आप इसे 9 से 10 मिनट के लिए कोयले पर सेक लें और फिर बाकी का तवे पर तैयार कर लें। और अगर आपके पास कोयलों वाली अंगीठी या ग्रिल नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हर घर में अंगीठी या ग्रिल नहीं होती, तो आप इसे हाफ कुक जो है वो कढ़ाई में कर लें। तो हम भी इसे कढ़ाई में ही कुक करेंगे। तो देखें हमने इस तरह सारे पीसेस को कढ़ाई में सेट कर लेना है और सेट करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसे हम दरमियानी आंच पर कवर करके पकाएंगे। तो जब ये पानी छोड़ दें फिर हम इसका ढकना उतार देंगे और आंच को फुल करके इसके पानी को अच्छी तरह से उसक कर लेंगे। तो जब तक ये पक रहे हैं हम दूसरी तरफ कोयले को भी पकने के लिए आग पर रख देते हैं ताकि कोयला जो है वो अच्छी तरह से दहक जाए। तो ये देखें इन्हें पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम आँच को फुल कर देंगे और इसके अंदर जितना भी पानी है उसे हम अच्छी तरह से उसक कर लेंगे। तो देखिए पानी इनका अच्छी तरह से खुशक हो चुका है और दूसरी तरफ कोयला भी जो है वो अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम एक कटोरी लेंगे और इसको हम सेंटर में रखेंगे और अब इसके अंदर हम ये कोयले को रख देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर देंगे ताकि इसका जो धुआं है वो अंदर ही रहे। चूल्हे को हम बंद कर देंगे और 10 मिनट तक के लिए इसे हम इसी तरह ही रहने देंगे। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारा बिल्कुल बारबेक्यू जैसा हाफ कुक हो चुका है। तो इसे हम बड़ी ट्रे में निकाल लेंगे और फिर इसे तवे पर पकाएंगे। तो तवे पर पकाने के लिए हम इसके लिए दही तैयार करेंगे। तो दही तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, दही लिया है हमने 1 पाव, इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून, चाट मसाला
1 टेबल स्पून और बारबेक्यू मसाला लिया है हमने 1/2 टी स्पून। मक्खन लेंगे हम हसब ज़रूरत, अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप घी या ऑयल भी ले सकते हैं। और ये थोड़े से हमने लिए हैं कटे हुए लीमू और कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। तो हमारे पास ये वो मसाला है जिससे हमने चिकन को मैरिनेट किया था, हमने थोड़ा सा बचा लिया था। अब इसके अंदर हम डालेंगे दही, चाट मसाला डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे और अब इसके अंदर हम डालेंगे बारबेक्यू मसाला। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसके अंदर हम 2 लीमू निचोड़ देंगे। फिर से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको हम एक बॉल में डाल लेंगे। तो देखिए दही हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने जो पीस ट्रे में निकाले थे उनको हम कट्स लगाएंगे। कट्स हमने पहले नहीं लगाए थे, अगर हम पहले लगा लेते तो पकते वक्त इन्होंने टूट जाना था, इसलिए हम इनको कट अब लगाएंगे। अब हम एक ट्रे लेंगे और इसमें एक पीस को रखेंगे और इसको इस तरह कट्स लगाएंगे। कट्स हमने डीप लगाने हैं ताकि अंदर से अच्छी तरह से ये पक जाए, कच्चे ना रहें। अब इसी तरह से हम बाकी पीसेस को भी कट्स लगा लेंगे। तो कट्स हमने सारे लगा लिए। अब हम तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और इस तरह से एक एक करके हम तवे के ऊपर पीस को रखते जाएंगे। इनको पकने के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो इसलिए 3 से 4 पीस हमें रखने, इससे ज़्यादा नहीं रखने। अब इनके ऊपर हम डालेंगे ये तैयार किया हुआ दही। इन्हें हम बिल्कुल स्लो आंच पे पकाएंगे, अगर हम आंच तेज़ करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये जो हमने दही डाला है ये अपना पानी छोड़ेगा और पानी में जब ये पकेंगे तो ये अंदर तक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। अब इनकी साइडों को हम चेंज करेंगे। अब इस साइड पे भी हम दही डालेंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से ये पक जाए। इनकी साइडों को बार बार चेंज करते रहना ताकि ये जले ना और दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाएं। इन्हें हमने कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकाना है ताकि अच्छी तरह से ये पके, कच्चे ना रह जाएं। अब इनके ऊपर हम कटे हुए लेमन और कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। लेमन और सब्ज़ मिर्चें डालने से इनमें जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब इनकी साइडों को चेंज करेंगे। इधर भी थोड़े से कटे हुए लेमन और सब्ज़ मिर्ची डालेंगे। अब इनके ऊपर थोड़ा सा मक्खन डालेंगे
मक्खन डालने से बहुत ही ज़बरदस्त इनके ऊपर शाइन आएगी और जिनका फ्लेवर होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का होगा। अब हम इनकी साइडों को चेंज करेंगे और चेंज करके ऊपर से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरह से ये अंदर तक गल जाएं। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और तवा पीस हमारे रेडी हो चुके हैं बहुत ही ज़बरदस्त से, आप देख सकते हैं। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने ये ज़बरदस्त बने हैं और इसी तरह से हम ये जो बाकी के इन्हें भी तैयार कर लेंगे। बस इसी तरह से रखते जाएंगे और सबके ऊपर दही डालते जाएंगे। पलटते जाएंगे। अब लेमन और सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। अब हम इनके ऊपर मक्खन डालेंगे। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप घी या ऑयल भी लगा सकते हैं। तो ये देखें ये सारे रेडी हो चुके हैं। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और ये भी प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से सारे के सारे तवा पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इनकी हम डेकोरेशन करेंगे।